जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम अंग अब आगरा में भी उपलब्ध होंगे। आगरा विकास मंच के जरिए ये अंग मिलेंगे। मंच के कार्यालय का 10 अगस्त को उद्घाटन सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल करेंगे। पंजीकृत विकलांगों को कृत्रिम अंग निःशुल्क दिए जाएंगे। आगरा में जो आगरा विकास मंच है, जो पिछले 20 सालों से जो मानव सेवा के लिए कार्य कर रहा है, और वो जो है विकलांग लोगों के लिए एक नए एक क्लिनिक का शुरुआत करने जा रही है। ये सामने हमारे जो देख रहे हैं, ये 356 गज का उन्होंने एक जगह स्पेस जयपुर हाउस में खरीदा है एडीए के पीछे, और इसमें 6 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें 6 कमरों में जो है ये जो विकलांग जो लोग होंगे उनके जो कृत्रिम जो अंग हैं उनको यहाँ पर बनाया जाएगा, उनके साइज़ का उनको दिया जाएगा। ये पूरा अभी काम यहाँ पर चल रहा है, पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि 10 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। जो आगरा के जो सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, वो या इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ में जो महावीर जो ट्रस्ट है जयपुर का, जो विकलांग लोगों के लिए पिछले कई सालों से जो पूरे विश्व में जो विकलांगों के लिए सामान बना रहे हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। 10 तारीख को उद्घाटन होगा। ये पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, मजदूर लगे हुए हैं, अंतिम रूप देने को इसको लगे हुए हैं, ताकि ये जो मानव सेवा का काम है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो लगातार ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर 10 तारीख को ये ओपीडी की सुविधा शुरू होगी, बड़ा उद्घाटन होगा, बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोनों कोनों से आएंगे, और इसके जो कार्य को जो कर रहे हैं यहाँ पर उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। राजकुमार जी, पहले आप बताएं कि ये अब लोगों को इंतज़ार है, लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि ये कब लोगों को यहाँ पर ये सुविधाएँ शुरू होंगी और क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी यहाँ पर। जो श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं आगरा विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में 10 अगस्त से दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग पैर और हाथ उसका निःशुल्क कार्यशाला प्रारंभ हो रही है, जिसके अंदर दिव्यांगों को अब तक जयपुर या अन्य स्थानों पर आगरा से बाहर जाके एम्स में अपने कृत्रिम हाथ और पैर बनवाने पड़ते थे, अब यह सुविधा आगरा में ही रहेगी। 10 अगस्त को प्रातः 10 बजे शुभारम्भ होने के बाद से और प्रतिदिन यहाँ पर अंगों का, कृत्रिम अंगों का बनना प्रारंभ हो जाएगा। सही कहा, क्योंकि जब इस तरह के जो विकलांग लोग होते हैं उनके साथ अधिकतर जब वो जब उनके साथ देने के लिए कम लोग होते हैं, परिवार के लोग कभी कभार ऊब जाते हैं और बार बार जयपुर जाने से वो बचते हैं। संदेश जी, आप बताएं कि एक बड़ा एक पहल जो आगरा विकास मंच कर रहा है, और जो आगरा विकास मंच एक नई चीज़ को ऐड कर रहा है, आगरा में सुविधा देने शुरू कर रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक नेक काम में आप लोग उसके भागीदारी हैं, सपोर्ट हैं, कितने पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं? निश्चित ही किसी ने सही कहा है कि सुंदर सपने देखना श्रेष्ठ है, लेकिन उनको हकीकत में बदल देना सर्वश्रेष्ठ है। और एक ये सपना सन 2020 में जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक जैन सी ए साहब ने देखा था, उस सपने को मूर्त रूप देने का, उसे हकीकत में बदलने का जो एक संकल्प उनके दोनों छोटे भाइयों ने, श्री राजकुमार जैन जी और सुनील जैन जी ने लिया, और उसे आगरा विकास मंच और आगरा की समाजसेवी और अन्य लोगों ने जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जो श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के साथ जो यहाँ एक जे का शुरू होने जा रही है वर्कशॉप, जो निश्चित ही इससे हजारों की तादाद में जो विकलांग दिव्यांग हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनको बहुत आराम मिलेगा। उन लोगों को जयपुर जाने में बहुत परेशानी होती थी, वो परेशानी दूर होगी। अब उन्हें वह सारे उपकरण यहीं आसानी से उपलब्ध होंगे जिनके लिए वो मारे मारे फिरते थे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ये वो लोग हैं, इन लोगों की मदद करेंगे जिनके पास आर्थिक स्थिति ख़राब है, उनकी वो अपने लिए कुछ इलाज नहीं करा पाते, अपने पैसे का अभाव होता है। आप बताएं कि जब अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कभी उद्घाटन होगा, साथ में जयपुर की जो बड़ी संस्थान है, जो भगवान महावीर संस्थान है, वहाँ से कौन कौन लोग उस दिन आएंगे यहाँ पर? जो यह जो आगरा विकास मंच और महावीर दिव्यांग जयपुर जिस केंद्र को बना रही है, यह केंद्र जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी अभी जैसे बताया 400 हो चुके हैं, और आगरा विकास मंच के सभी लोग इसके अंदर तत्परता से लगे हैं। वैसे ही महावीर दिव्यांग जो एक बहुत बड़ा सेवा का केंद्र है, उस केंद्र के अंदर जितने भी लोग हैं जो महावीर दिव्यांग से जुड़े हुए हैं, सब ने यहाँ पर इस केंद्र को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं टाइम पूरा कंज्यूम किया है, पूरा टाइम दिया है, और हमें पूरा आगे जाने के लिए मजबूर किया। उसी के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो इसके अध्यक्ष हैं सतीश मेहता, जो आईएफएस हैं, श्रीमान सतीश मेहता जी जो आईएफएस, पूर्व आईएफएस हैं, उन्होंने इस कार्य को करने के लिए
पहले दिन से जो एक साल पहले यह सपना जो दोबारा शुरू हुआ था 2020 के बाद के इसको दोबारा स्थापित किया जाए, तो उन्होंने रात दिन एक करके और पूरे इस कार्य को सफल कराया और जो यह कार्य पूरा होना जा रहा है, इसलिए पूरे महावीर दिव्यांग की पूरी टीम और स्पेशली सतीश मेहता साहब को बहुत बहुत आगरा विकास मंच के सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमें उम्मीद है कि महावीर दिव्यांग और आगरा विकास मंच मिलकर लोगों को सेवा देता रहेगा और महावीर दिव्यांग आगरा विकास मंच की इसी तरह से पूरा सपोर्ट करता रहेगा। सही कहना है, इनका जो IFS हैं सतीश, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। जयपुर के जो भगवान महावीर जो ट्रस्ट है वो लगातार इस तरह की जो है सुविधा देता रहता है। पूरे विश्व में ये इसी नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो दिव्यांगों के लिए उनके पैर और हाथ बनाते हैं। उन्होंने यहाँ पर आगरा में सेंटर की शुरुआत तो कर रहे हैं, साथ में इसके साथ साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर और कई सारे रोजगार के अवसर भी यहाँ पर खोलने का जो प्रतिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो अपने आत्मनिर्भर बन सकें, जो प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको भी वो साकार इसी केंद्र से जो है कर सकते हैं। अपने साथी राहुल सांत के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।